हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सेफ और आप देख रहे हैं द मार्केट इंडिया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। जी हाँ, आज फिर धमाकेदार तेजी आई इसमें, अब क्या करें कल के लिए इसमें। जी हाँ, आज संडे, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मंडे के लिए 10/5/2021 के लिए। तो दोस्तों टारगेट लेवल निकालेंगे इस वीडियो में। इसमें तेजी बहुत बनी है, बहुत लंबी इसमें हमको फिर एक बार फिर तेजी देखने मिली है। लगभग 3.5% की इसमें एक बार फिर तेजी हमको देखने को मिली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिल से है कि आप प्लीज़ अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने घर परिवार में रहिए और ज़्यादा बाहर ना निकले। कोई ज़रूरी सामान हो तो ही बाहर निकले, क्योंकि इस टाइम पर बहुत कोविड का सिचुएशन ख़राब चल रही है उसके चलते। तो प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। और फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता हो उसका हमको कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कारोबारी डिटेल करेंगे। मैंने यहाँ इसका चार्ट खोला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ 5 दिन का चार्ट लगाया हुआ है हिंदुस्तान जिंक शेयर का। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें, मैंने 1 दिन का चार्ट यहाँ नहीं लगाया तो इसलिए मैंने यहाँ 5 दिन का चार्ट लगाया हुआ है। 5 दिन के चार्ट से देखेंगे हम किस तरह के इसमें लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ 5 दिन का चार्ट लगाया हुआ है। तो प्राइसिंग की पहले प्राइसिंग देख सकते 305 प्राइसिंग है और इसके ऊपर अब ये निकल चुका है। यहाँ पर थोड़ा डाउनग्रेड जरूर आया था 287 रुपये का, और 287 यहाँ पे 287 सपोर्ट कर रहा है। एक बार फिर 287 यहाँ पे 287 सपोर्ट का, और सपोर्ट के बाद इसने अपसाइड, यहाँ पर भी अपसाइड दिखाई है और इसके बाद यहाँ पर भी इसने अपसाइड दिखाई है 300 के लेवल के जो छुआ है। तो 314 रुपये भी पे ये गया 2 बजे, फिर इसने क्लोजिंग 309 रुपये की। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट लगा रहा हूँ और यहाँ देखिए 1 महीने में कितने अच्छे इसका लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ। यहाँ तो शुरू में ये डाउन था, यहाँ से देखिए 282 रहा, बट यहाँ पर ये बहुत अच्छे प्राइसिंग था 318 रुपये प्राइस पर। तो दोस्तों अब मैं जो बता रहा हूँ, जो इसमें जो एग्जिटिंग पोजीशन है उनके लिए मैं टारगेट बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको जो टारगेट बताने से पहले हमें इसके हमारे इंडियन एसी वेबसाइट पर आ गए हैं, यहाँ से इसकी कारोबारी डिटेल जानेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 309 रुपये 15 पैसे की प्राइसिंग और 12 रुपये 65 पैसे तेजी साथ 4.27% की इसमें तेजी देखने, यानी 4.25% की इसमें हमको तेजी देखने मिली है। फ्राइडे के दिन 296 रुपये 50 पैसे इसका प्री क्लोज था, 300 रुपये ओपन हुआ और 300 रुपये इसका हाई बना। लो रहा था 299 रुपये और 309 रुपये 85 पैसे इसकी क्लोजिंग रही। ट्रेड वॉल्यूम शेयर की बात करूँ 78,38,176 शेयर ट्रेड वॉल्यूम शेयर है इसका। और 92 हाई की बात करूँ तो 92 हाई है 334 रुपये 40 पैसे और 92 लो है 164 रुपये। तो दोस्तों ये भी एक हिंदुस्तान जिंक भी एक बहुत अच्छा स्टॉक्स है, बट जो मैंने अभी पिछली अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे वहाँ आपको टाटा स्टील की जो मैंने अभी जेएसडब्ल्यू स्टील की जो वीडियो डाली, एक टाटा स्टील बीएसएल की भी डाली, दोनों जाकर वीडियो चेक करिए। और जो मैंने उसको 52 लो रहा था, यहाँ से थोड़ा सा आपको कंपेयर करा देता हूँ। जो टाटा जेएसडब्ल्यू स्टील का प्राइस है वो 750 रुपये है, उसका 52 लो 20 मई को 160 रुपये था और इसका हिंदुस्तान जिंक का 164 रुपये। तो इसकी प्राइसिंग के मुकाबले उस स्टॉक्स में ज़्यादा जो इन्वेस्टर है ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं टाटा जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। तो ज़्यादा है दोनों मेटल स्टॉक ही, कारोबार भी एक ही मेटल है इनका, जो किस सेक्टर बिलोंग का, ये निफ्टी मेटल का स्टॉक्स है। तो मेटल दोनों ही स्टॉक्स मेटल के, बट कंपैरिजन इसी तरह देखा जाता है जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं। ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है, इसमें भी लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ वह हमको नज़र आ रहा है और ये भी अपने अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है अभी, और इसमें अच्छे आने वाले टाइम में ये भी एकदम शेयर दुगना होने के चांसेस ज़्यादा है, जैसे हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील हो चुका है। 52 होता है इसका 164.05 पैसे और डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं कि जुम्मे के दिन इसके अंदर फ्राइडे के दिन किस तरह की 26% की डिलीवरी परसेंटेज, 26.43% डिलीवरी परसेंटेज हुई, 20 लाख शेयर इसमें डिलीवर हुए हैं, 20,72,005 शेयर इसमें डिलीवर हुए हैं। और अगर मैं चलो आप यहाँ पे चार्ट पे चलता हूँ, यहाँ इसके टारगेट लेवल निकालते हैं। तो दोस्तों जो मेरा पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 320 रुपये। जी हाँ, 320 रुपये पहला टारगेट निकल कर आ रहा है जो इसी महीने में रहेगा, और दूसरा टारगेट का 350 रुपये। तो दो हमको दो जिनकी ये एग्जिटिंग पोजिशन, जिनकी इनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, ये टारगेट उनके लिए है। तो ज़रा उस पास का ध्यान रखिए। खरीदारी कहाँ करनी है? नहीं, जी हाँ, नहीं खरीदारी कहाँ करनी है ये क्वेश्चन है। 280 रुपये 285 रुपये के बीच में जहाँ आपको मिले वहाँ पर,
और जितना डिप में मिले इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए लॉन्ग टाइम के लिए। ये बहुत अच्छा स्टॉक से, बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। तो इसमें खरीदारी करने का जो मौका है वो मैंने 285 से 280 रुपये बीस, जो नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो इस लेवल पर खरीदिए, और जिनकी एग्जिटिंग पोजिशन है उनको स्टॉप लॉस लगाना है 285 रुपये से और 300 रुपये तक के, इन दो के बीच में स्टॉप लॉस लगाना है। 300 रुपये स्टॉप लॉस लगा नियरली है, बट मुझे लगता है 285 का स्टॉप लॉस सही रहेगा, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल होता है स्टॉक, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी द मार्केट निगराज हिंदुस्तान जिंक शेयर पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतने ही, हैव अ गुड डे, गुड बाय।